नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ अक्षय आनंद। गणपति की धूम हर ओर है। पटना में भी कई जगहों पर गणपति की मूर्ति स्थापित की गई थी और अब जब पूजा संपन्न हो चुका है तो गणपति विसर्जन का वक्त आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, जब गणेश भक्ति में लोग किस तरह, जो श्रद्धालु हैं वो गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल अंशुल होम्स द्वारा यह आयोजन किया गया था और उसके बाद हर ओर इसको लेकर के प्रसाद बांटे जा रहे थे और दूर दूर से लोग गणपति की इस भव्य मूर्ति को देखने के लिए आ रहे थे। बहुत दुखी हो रहा है कि आज उनका विसर्जन है और हम लोगों ने 7 दिन गणपति बाबा को रखा और रोज़ भोग का प्रसाद बनाना, उनका आरती करना, सुबह पूजा करना, बहुत मज़ा आया। आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो जा रहे हैं। क्या कुछ मिसिंग हो जाएगा इनके जाने के बाद? हाँ, ये पूरा ऑफिस मिस हो जाएगा, रोज का आरती मिस हो जाएगा, पूजा मिस हो जाएगा, मतलब हम लोग बहुत मिस करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए कितना इंतजार करेंगे? बस थोड़ा दिन है, ज़्यादा दिन नहीं, थोड़ा दिन और वेट करना है, फिर गणपति पापा आ जाएंगे और हम लोग फिर से वही पूजा आरती धूमधाम से करेंगे। गणपति पापा कैसे सबके दुख हो रहे हैं? वो तो दुख हरता है ही, तो आते हैं, सबका कष्ट को समझते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। गणपति बप्पा मौर्या। भावना फिनांसेट अंशुल। यह चूँकि हम लोग का ये 7 दिन का प्रोग्राम, अपना ये पूजा होता है 7 दिन का और हम लोग ये 4th साल बना रहे हैं। बहुत खुशी से ये 7 दिन कैसे बीत गए मुझे नहीं पता और काफ़ी मुझे आज एनर्जी मिली है और मतलब मैं हर साल ये करते आ रहा हूँ और अलग ही फीलिंग होती है इस पूजा में। और ये आज के दिन विसर्जन का दिन है जहाँ पर पूरे मुंबई से लोग आ रखे हैं, जो ढोल ताशे, जो आप सुनते होंगे कि मुंबई में जो ढोल ताशा होता है उनकी पूरी टीम आ रखी है और हम लोग एक उनके साथ एक शोभा यात्रा जो होता है पूरे विसर्जन का वो निकालेंगे, जो आज मैं पाटलिपुत्र से होते हुए बोरिंग चौराहा होते हुए आप राजापुर पुल के पास हम लोग विसर्जित करते हैं। तो ये अलग ही फीलिंग है, अलग ही उत्साह है, अलग ही एक जोश है जो हमारे जितने भी स्टाफ लोग वो मिल के मनाते हैं। और ये जब तक मैं रहूँगा, हर साल जब तक हमारे अपने बप्पा का आशीर्वाद रहेगा हर साल ये हम लोग मनाते रहेंगे। और इस साल से लेकर ये तो 4th साल था, 10 साल 15 20 साल जब भी हो ये हमारा पूजा का कार्यक्रम चलता रहेगा और लोग हमारे साथ, अच्छे अच्छे लोग जो लोग विश्वास करते हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि जितने भी ये पप्पा जहाँ भी जाएं और जिनका भी आशीर्वाद वो अपना आशीर्वाद देते हैं तो सबका दुख हर लें और जो भी इच्छा मांगना हो इनसे पूरा कि ये पूरा करते हैं, मन से मांगिए, जरूर इच्छा पूरा करेंगे। और मेरे तरफ से पूरा बिहारवासियों को, देशवासियों को गणपति की बहुत बहुत बधाई। गणपति पप्पा मौर्या। तो गणेश चतुर्थी के संपन्न होने के साथ ही गणपति का विसर्जन कर दिया गया है। यह तस्वीरें जो थी वो जब प्रतिमा का पूजन हो रहा था, आरती हो रही थी, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बहरहाल आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हर खबर के सबसे ताज़ा अपडेट्स आप तक हम लेकर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।